हेलो गाइस, ये देखो नए नए रिश्तेदार आ गई है। रिसेप्शन में जा रही है निमंत्रण खाने। बेटे की जो शादी है उसी में। हाय, चलो फिट हो एकदम फाइन। फिट एंड फाइन। हाय एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे। मैं इंद्रोति अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और गाइस, मैं बना रही हूँ आलू बैंगन का भरदा और रोटी, क्योंकि आज हम दोनों लोग हैं। हम हैं और मम्मी और मेरी छोटी वाली ननद जी। आज सब लोगों का है निमंत्रण। बना रही हूँ तीन जन का खाना, तो सबका निमंत्रण है, तो तीन जन घर पे खाएंगे। बेटे की है शादी, तो वहाँ सब लोग हैं। चलो फिर बना लें खाना। और ब्लॉग हो गया मेरा स्टार्ट। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। चलो फिर, बाय बाय। ठीक लगी रही हो? गार्गी भी तैयार हो गई है। यहाँ मैं मम्मी जी को महावर लगा रही हूँ। ये भी जा रही हैं वहीं पे बारात विदा करने। तो यहीं मेरे पापा भी थे जो तैयार हो रहे थे। उनका गमछा मशीन में, वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए, फिर सुखवाया नहीं गया। तो बोल रहे हैं अब क्या लेके जाएं, नया वाला, तो फिर जो पुराना वाला है साफ़ है उसको लेके जाएंगे। ये देख लो, मेरे पापा जी हैं। तो गाइस, मैंने नेक्स्ट दिन वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन सब लोग बारात चले गए 2-3 बजे के बाद। मैंने मोबाइल उठाया नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट डे मैं शाम को, सनसेट का समय हो गया है, 5:30 बज रहे हैं, तो मैं फ़ोन उठाई हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिर आज है रिसेप्शन वहाँ पे जहाँ बेटे की शादी है, तो सब लोग का वहाँ पर निमंत्रण है। सब लोग वहाँ जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे। फिर हम लोग, आज भी 2 लोग बचे हैं, मैं हूँ, मेरी सास उमा है। तो बना लूँगी कुछ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी पूछूँगी मम्मी से क्या बनाऊँ, तो जो कहेंगी 2 जन को खाने के। तो मैंने पहन लिया है स्वेटर, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है। गांव में हो या कहीं भी हो, जब ठंडी का मौसम है तो ठंडी पड़ेगी ही, जायज़ सी बात है। तो हम स्वेटर पहने, हमको बहुत ठंडी लगती है। तो फिर चले, ये सोच रही हूँ आलू टमाटर और शिमला मिर्च है उसकी सब्ज़ी बना लूँ, और मीठी उसको क्या कहते हैं, गुलगुला, आप लोगों के क्या कहते हैं, कई जगह कई नामों से जानते हैं, तो पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ गुलगुला ही कहते हैं। तो उसको बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे, बस 2 लोग खा लेंगे। चलो फिर तैयारी में जुट जाऊँ। मैंने यहाँ आलू काट लिया है और आटा, मैंने सुबह रोटी बनाई थी तो उसको रख दी थी, तो ये अभी बना लूँगी इसकी पूड़ी। और ये मैंने भिगो के रखा था पहले से गुड़। आप लोग गुड़ में बनाते हैं या चीनी में, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग गुड़ में ही खाना ज़्यादा अच्छा करते हैं, ये जो गुलगुला होता है। और कुछ लोग चीनी में भी बनाते हैं। और लहसुन को मैंने छील लिया है, अब इसे कूटूंगी। ग्रीन चिली है, ये शिमला मिर्च को मैंने काटा है, ये टमाटर को मैंने काट लिया है। प्याज मैं डालूँगी नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी जी प्याज खाती नहीं है, इसलिए नहीं ऐड करूँगी उसको। चलो फिर मैं इसका गुलगुला का एकदम पतला बना देती हूँ, जैसे पकौड़ी बनती है ऐसे ही, तो छोटू मोटू भूख के लिए ठीक है, कितना खाएंगे हम 2 जन। चलो फिर इसका आटा बना लेती हूँ, ठीक है, बाय। तो गाइज, मैंने यहाँ एक बाउल में आटा लिया है और इसमें जो गुड़ मैंने पहले से भिगो के रखी थी उसको छान लूँगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा थिक नहीं और बहुत ज़्यादा, देख लो गाइस, गार्गी ने आया और मेरा सारा बाल
बिगाड़ के रख दिया कितनी। चलो फिर मेरी तैयारी हो गई है, बस खाली बनाना है और खाना है। चलो फिर बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा को क्रैक कर लिया, इसके बाद शिमला मिर्च और आलू डाल लिया। इधर मैंने पकौड़ी इसका बना लिया, फिर मैंने सारी पूड़ियाँ इकट्ठा बेल ली थी, इसके बाद बना लिया पूड़ी निकाल लिया। फिर सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई। और गाइस गुड़ वाले गुलगुला का टेस्ट ही अलग है। तो गाइस हम लोगों का खाना पीना हो गया है और मैं अपनी वीडियो का इसी पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहे मेरे वीडियो में, अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। और मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें जो न्यू हूँ मैं चैनल पे। तो फिर गुड नाइट, बाय बाय।